हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निकले पूरा गले गला दीपावली दा शुभाशय। हम उडुपी के लिए निकल रहे। मेरे भाभी के बहन ने नया घर लिया है तो गृह प्रवेश के लिए जा रहे हैं। ये उनका घर का बालकनी का व्यू है। पूजा के बाद मैं मेरा हाई स्कूल में आ गई हूँ। मेरा हाई स्कूल का नाम है कमलाबाई हाई स्कूल। आज के दिन हमारे ओल्ड स्टूडेंट ने त्रिवेणी संगम का प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें रिटायर्ड टीचर, ओल्ड स्टूडेंट और अभी के टीचर प्रोग्राम में आए हुए थे। ये है मेरा हाई स्कूल। इधर मैंने हाई स्कूलिंग कंप्लीट किया है। यहाँ पर ओल्ड टीचरों का भाषण चल रहा है। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮದೇ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಮಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹುವಾ ಕರ್ತೈತೆ. ಇನ್ಕಾ ನಾಮೆ ಐಸಾಬಿ ಟೀಚರ್. मैं सभी टीचरों को मिल चुकी हूँ। ये सब मेरे हाई स्कूल फ्रेंड है। अब मैं घर आ गई हूँ। दीपावली है ना, इसलिए अभी मैं मूंग दाल की सिंपल सा चकली बना के दिखाऊंगी। आज मैं मूंग दाल से बनने वाली क्रिस्पी स्वादिष्ट हेल्दी चकली बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस चकली को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस चकली को बनाना बहुत आसान है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं मूंग दाल चकली बनाने जा रही हूँ। मूंग दाल चकली बनाने के लिए मैं एक ग्लास चावल का आटा लिया, उसका आधा क्वांटिटी में मूंग दाल लिया है और तिल, जीरा, चिल्ली पाउडर और जीरा, हींग और बटर। मैं अभी मूंग दाल को वॉश कर रही हूँ। उसे मैं 1.25 ग्लास पानी डाला है और कुकर में डाल के उबालूंगी। इसमें 3 सीटी के बाद मूंग दाल पक चुका है। अब मैं मूंग दाल को स्पून से अच्छी तरह मसलूंगी, मसल कर स्मूथ पेस्ट तैयार करूंगी।
सपरेट बॉल में राइस फ्लोर, हल्दी, चिल्ली पाउडर, जीरा, सफेद तिल, नमक और बटर डाल के मिक्स करूंगी। इस मिश्रण को हाथ से अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद वो इस तरह लड्डू बनना है। इसे पता चलता है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें स्मैश किया हुआ मूंग दाल और इंग ऐड करके उसका डो बनाना है। तो इस तरह बनना चाहिए। चकली मेकर के अंदर चकली का जाली डालकर इसमें डो डाल रही हूँ। मैंने आयरन वाला कढ़ाई में तेल गरम करने को रखा। अब हम जाली वाले बड़ा चम्मच ले लेते हैं। इस चम्मच के ऊपर हम चकली को गोल गोल शेप में बनाते हैं। साइज आपके इच्छा अनुसार बना सकते हैं और साइड के किनारे को चिपकाना है ताकि तेल में जाकर खुले नहीं। गरम तेल में चकली का डो को इस तरह छोड़ना है। तेल में हम चकली छोड़ते हैं तब इमीडिएट मत पलटो, क्योंकि कच्चा होने के कारण टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। 30 सेकंड के बाद पलटना है। डो का मिश्रण को ढक के रखे ताकि सूखे ना। मूंग दाल चकली खाने के लिए रेडी है। ये चकली स्वादिष्ट, क्रिस्पी और टेस्टी रहता है। इधर मेरा हस्बैंड छत का लाइटिंग डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारा भगवान का मंदिर का सजावट। ये हमारा छत का लाइटिंग है।
हमारा घर का एंट्रेंस का सजावट है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।